हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो CRP 8 के थ्रू जो प्रोसेस चल रही थी रिक्रूटमेंट की, 2018-19 के नाम से जो भी IBPS ने एग्जाम कंडक्ट की और फिर IBPS ने जो PO की पोस्ट के लिए यूनियन बैंक को जो बंदे अलॉट किए, उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज स्टार्ट होने की तारीख डिक्लेयर हो गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है उसमें 20 से लेकर 24 मई तक वो रिपोर्टिंग डेट उन्होंने बताई है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो भी एंड फर्दर ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग सभी कुछ उसमें आगे फिर बता दिया जाएगा। तो 20 मई टू 24 मई, और इसमें जो बच्चे जो पहले 7th की वेटलिस्ट के जो बच्चे हैं उनको भी यही डेट दी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लर्क के लिए वो पहले ही इंटीमेट कर चुके हैं, उसका सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे आ चुका है। बाय द वे, जो बच्चे नहीं देख पाए हो और जो क्लर्क के लिए हुए तो वो ऑफिशियल जो साइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उसमें देख सकते हैं। जैसे अपने भी अगर उस साइट को देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिया है। देखो इसमें ये देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट का जो रिक्रूटमेंट का पेज है उसी का है ये डिटेल। आगे द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली अलोटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाय द IBPS फॉर द पोस्ट ऑफ PO स्केल 1 अंडर CRP PO ऑब्लिक MT 7th वेट लिस्ट एंड CRP PO ऑब्लिक MT 8th। तो दोनों है इसमें, 7th की वेट लिस्ट के भी है और 8th के भी है। तो प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंड टू द करस्पॉन्डेंट एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड बाई देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द एप्लीकेशन। जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको उनके एड्रेस पे ऑफर लेटर भी भेज दिए गए, फिर भी किसी को नहीं मिले हो, आई थिंक मेल भी गए होंगे, मेल भी अगर नहीं मिले हैं, नहीं देख पाए हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेल या ऑफर नहीं मिला है तो आप प्लीज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल एड्रेस है, मेल एड्रेस है, उस पर मेल करके करस्पोंडेंस करें। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बिटवीन 20 मई टू 24 मई, वो डेट इंक्लूसिव फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एट द ऑफिस ऑफ द बैंक मेंशन्ड इन देयर प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड वाइल रिपोर्टिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज आर एज अंडर। मेडिकल आपका वही होगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। 10 फोटोग्राफ्स एज अपलोड ऑन द IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन। एड्रेस प्रूफ चाहिए आपका, तो एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी आपका जिस भी में हो, वोटर आईडी में हो, आपके कोई पासपोर्ट अगर आपका है तो उसमें पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एड्रेस प्रूफ इसमें चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड अगर आप नहीं बन के आया है और आपने बनने के लिए दे दिया, नहीं दिया तो तुरंत आप बनने के लिए दीजिए, और जो चालान जनरेट हो उसकी कॉपी आप लेके जाइए। देन ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इफ एनी, कोई है तो एक्सपीरियंस, डिसेबिलिटी जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कोई एक्स सर्विसमैन है, मतलब कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते हैं उसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए चाहिए। साथ ही जो भी बच्चों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फॉर्म्स में फिल की है, जो जो 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, उन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। देन लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड एंड नोटिफाइड फॉर्मेट इफ अप्लीकेबल, विच इज आल्सो अवेलेबल ऑन बैंक वेबसाइट पे। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है ये वेबसाइट पे बैंक की दिया हुआ है, उसमें से आप फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने आधार कार्ड हालांकि नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप आधार कार्ड अगर नहीं बनाया तो प्लीज आप बनवा लीजिए, और अगर बन के नहीं आया है तो बनने के लिए जो भी आपका चालान जनरेट हुआ वो लेके जाइए। आधार की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपका ओपन ये अकाउंट भी ओपन होगा उसमें भी आधार की जरूरत पड़ेगी। सो आधार इसमें दिया नहीं दिया बट आप आधार जरूर बनवा लीजिए। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज एंड बीइंग फाउंड मेडिकली फिट इन दी प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ 52 वीक्स।
द डिटेल ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स. Candidates are advised to contact the respective reporting officer to get confirmation regarding date of reporting. If any candidate fails to report on the given date at his or her respective reporting office or fails to attend the induction training on the prescribed date, it will be deemed that he or she is not interested in taking up offer appointment extended by the bank. It will be ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल. तो ये जरूर ध्यान रखना है. रिपोर्टिंग ऑफिसेज देखो दिया है, अहमदाबाद दे रखा है, बेंगलोर दिया है, भोपाल दिया है. तो अहमदाबाद और इन सभी के बेंगलोर, अहमदाबाद एंड भोपाल, तीन जगह का इसमें दिया है. नहीं सॉरी, काफी दिया. देखो रिपोर्टिंग चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई, पुणे, रांची और वाराणसी. और ये नीचे आप देखें तो पहले वेटलिस्ट के कैंडिडेट्स दिए हैं, इनके रोल नंबर दिए, इनके नेम दिए हैं और रिपोर्टिंग ऑफिस दिए. देखो सबकी. एंड देन आप देखो ये वेट लिस्ट चली 27 तक. तो 27 के बाद ये 8th के आगे और इनके नाम के आगे जो ऑफिस है वो इनको बता दी गई है कि कहाँ इनको रिपोर्ट करना है. आप देखिए पूरी लिस्ट इसके अंदर दी हुई है, तो किसी टाइप का कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए. 8th देखो ये यहाँ तक ही पूरा 8th चल रहा है. ये देखो ये काफी लंबी लिस्ट है. तो हाँ 690 में 27 वो थे. तो आप देखोगे तो 673 के या 663 कुछ करके आ गए. तो इन सब की कहाँ किसको रिपोर्ट करना है वो सब इसमें दे दिया. 20 से 24 में ही टाइम है. अगर जिस भी किसी एस्पिरेंट को अभी तक बैंक से मेल नहीं मिला है या उनका ऑफर लेटर नहीं मिला है तो आप अपना मेल चेक करें, और मेल नहीं मिला है तो आप वाया मेल, थ्रू मेल ही उनसे तुरंत आप उनसे चर्चा करें इस चीज की, उसको कन्वे करें कि हमें मेल नहीं मिला. तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरुआत हुई, एक एक करके बैंक्स और इसमें जुड़ते जा रहे हैं. और अब यूनियन बैंक ने भी, कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी आया था, उससे पहले बैंक ऑफ इंडिया का भी आया है. अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दोनों आ गए, क्लर्क का भी आ गया और पीओ का भी आ गया, और जो 7th की वेट लिस्ट है उसका भी आ गया. सो अब बहुत लंबा इंतजार, जो भी बच्चे पढ़े इंतजार में थे बेचारे, तो धीरे धीरे करके उन सभी का इंतजार खत्म होता जा रहा है. अब आप देखेंगे कि इस बैंक में जो भी बच्चे हुए बैंक से उनमें काफी का मेल डीबी के लिए मिल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हैव अ नाइस डे.